ओके तो ये है आपके लिए चार्ट और डिम्पी हमारे इनहाउस चार्ट एक्सपर्ट और वैसे तो कुणाल जी भी इनहाउस ही हैं तो चलिए दोनों मिलकर एक चार्ट का करेंगे एनालिसिस, वो आपको बता दिया जाए। अलीश जी आज का जो चार्ट है ना, वैसे तो चार्ट टिपिकली जब आप इस पर देख रहे होंगे तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ज़्यादातर तेज़ी और इन्वेस्टमेंट की भी है, लेकिन आपका पैसा बच जाना चाहिए ये भी तो हमको ही ख्याल रखना है और आपका दोस्त है जी बिजनेस इसके लिए जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपको ऐसे शेयर से बचा रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल दूर रहना है, वो है अजंता फार्मा। क्यों, क्या, कैसे, इन तीनों का जवाब आपको मिलेगा और कुणाल जी आपको बताने वाले हैं। कुणाल जी अजंता फार्मा हमने क्यों चुना, पहले तो ये मेरे को बताइए। देखिए मुझे पहले मुझे लगता है एक चार्ट्स की महिमा या पैटर्न्स की महिमा मैं बता दूं। देखिए जो पैटर्न होते हैं ये ऐसी आकृतियां चार्ट पर होती हैं जो कि समय समय पर बनती हैं और जब भी बनती हैं तो एक पहले से अनुमानित नतीजा निकल करके आता है। जैसे कि ये जो पैटर्न जिस पर आज हम बात करेंगे इसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा भरोसेमंद पैटर्न है और ये बना है आज इस चार्ट पर जिसका नाम है अजंता फार्मा जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं। इसकी है ना जरा थोड़ी वो लाइन बना के दिखाओ, लाइन बहुत हल्की है। चार्ट जरा कैंडल वाला दिखाइए, लाइन चार्ट है एक, आपको मैं कैंडल चार्ट भी दिखाता हूँ उससे शायद आपको और क्लियर। हाँ ये अच्छा है सर। तो देखिए ये जो पैटर्न बना है इसको हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं, इसमें सबसे पहले एक अपट्रेंड की जरूरत होती है। अजंता फार्मा में बड़ा अपट्रेंड रहा है, बरसों का अपट्रेंड है। चार्ट ये जो आप देख रहे हैं मंथली है, यानी कि हर एक कैंडल एक महीने के बराबर है, तो लंबी अवधि का दीर्घकालीन चार्ट हम देख रहे हैं। अच्छा एक कुणाल जी, ये बार बार हेड एंड शोल्डर बोला जाता है, हेड एंड शोल्डर पहचाने कैसे, आपने तो पहचान लिया होगा, हम कैसे पहचाने? बिल्कुल देखिए बहुत आसान है पहचानना, डिम्पी कोई खास मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपट्रेंड होना चाहिए, अपट्रेंड के बाद एक पीक दर्ज हो, यानी कि इस तरह का एक टॉप लगे, प्राइस ऊपर जाए दोबारा एक टॉप लगाए, वो दूसरा टॉप पहले से ऊंचा होना चाहिए, फिर एक तीसरा टॉप बनता है, ये तीसरा और पहला टॉप एक ही स्तर पर ऑलमोस्ट एक ही जितना बड़ा बनना चाहिए। उसके बाद देखिए दोनों बॉटम्स को जोड़कर एक रेखा डाली गई है, पीली हल्की लकीर है, इसको नेकलाइन कहा जाता है और इसके टूट जाने पर सेल की राय दी जाती है। मतलब ये हो गया हमारा हेड, ये हो गए दोनों हमारे शोल्डर्स, ये टूटेगा तो गर्दन के नीचे हमारे, हमारी गर्दन ही टूट जाएगी। बिल्कुल सही। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना ऊंचा हेड होता है आमतौर पर ये माना जाता है कि उतनी ही बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा। तो ये हेड आप देखिए अच्छा खासा है, 1000 अंकों का ये हेड है इस स्टॉक में अजंता फार्मा में, तो ये उम्मीद करें कि परसेंटेज टर्म्स में 500 पॉइंट्स की गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए बेस्ड ऑन दी पैटर्न। अच्छा ठीक है। अच्छा ये पैटर्न कुछ वैसे ही समझे जैसे आदमी की राशि होती है, कर्क राशि है तो उसको पहले पता उसका ये होगा, तो पैटर्न वही डिसाइड करने वाला। देखिए पैटर्न बहुत कुछ बताते हैं और पैटर्न मैं मानता हूँ डिपी ओवर राइडिंग होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल फीचर होता है पैटर्न। और पैटर्न देखिए बेवजह नहीं बनते, पैटर्न के बनने के पीछे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कोई बड़े ऐसे निवेशक होते हैं जो धीरे धीरे अपना माल छोड़ के स्टॉक से बाहर हो गए, उसी वजह से ये पैटर्न बनते हैं और पैटर्न के बन जाने के बाद गिरावट आना लाजमी। ये आपको कहाँ से आप ये आइडिया लगा कि ये शेयर टूटने वाला है और हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन ब्रेकडाउन हो जाएगा? देखिए क्योंकि ये मंथली चार्ट है डिम्पी, कई महीनों से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पैटर्न को विकसित होते हुए हम लोग बहुत समय से देख रहे थे, लेकिन ब्रेकडाउन का इंतजार था जो कि इस महीने में यानी कि मई के अंत में आपको होते हुए देख रहा है और क्योंकि मई का अब एक ही दिन बचा है मुझे लगता है ये सबसे ऑप्टिमम पॉइंट है जहां इसको बेचा जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी शामिल है, तो जो डेरिवेटिव के कारोबारी अगर लंबी अवधि तक इसमें शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर कर सकते हैं तो यहां एक अवसर है इसको शॉर्ट करने। ऐसा कोई ऐसा शेयर है जिसने इस पैटर्न को ब्रेक किया हो और ब्रेक करने के बाद वो बहुत तेजी से फिसला हो, ऐसा कोई शेयर? सारे दर्जनों ऐसे चार्ट हैं डिम्पी जहां पर कि बिल्कुल यही पैटर्न उसी तरह से कामयाब होते दिख रहा है। आइए उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। तो चार्ट देखते हैं लक्ष्मी विलास बैंक का। ठीक है एक बार जरा लक्ष्मी विलास बैंक का चार्ट दिखाएं, जरा उससे आइडिया ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लकीर थोड़ी हल्की है लेकिन अगर आप चार्ट को गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न बनते हुए ये दो टॉप्स बने हुए हैं, बीच में हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर ये राइट शोल्डर, नेकलाइन डाली गई है, ब्रेकडाउन आने पर जितना ऊंचा हेड था उतनी गिरावट आपने देखी, तो बिल्कुल ये लक्ष्मी विलास बैंक में कामयाब रहा। ये चार्ट थोड़े डार्क वाले नहीं बना सकते हम, थोड़ा बढ़िया डार्क वाले चार्ट जो एकदम देखते समझ में आ जाए, इसमें मुझे बहुत मुश्किल हो रही है वो। एक चार्ट में आपको और दिखाता हूँ लाइन चार्ट, लेकिन उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। एसीसी भी शायद एसीसी बिल्कुल ऐसे ही, एक बार एसीसी का भी आप चार्ट दिखाएं। देखिए ये भी वही पैटर्न है, हालांकि यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको अपनी नजर पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही पैटर्न, ये भी मंथली चार्ट है। अब इतना क्या, इतना तो नजर पे जोर डाल नहीं पाएंगे कुणाल जी, आपके बोलने पे भरोसा कर लेते हैं। आप बोल रहे हो तो भले ही होगा हेड एंड शोल्डर है ना, मुझे तो वो वाला वापस हेड एंड शोल्डर दिखाओ अजंता फार्मा वाला, अल्टीमेटली तो अजंता फार्मा पे है ना चार्ट, अजंता फार्मा ये साफ दिख रहा है, तो आप ये कह रहे हो अजंता फार्मा का हेड शोल्डर बन
चार से नीचे कितना जाएगा ये बताइए। देखिए 500 का टारगेट होना चाहिए इस पैटर्न के बदौलत, 500 यानी कि मौजूदा स्तरों से भी 50% और गिरना चाहिए ऐसा ये पैटर्न बता रहा है। क्योंकि देखिए आपको एक चीज बताऊं, मैं इसलिए आपको बार बार पूछ रहा हूं अजंता पे कि ये वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले 5 साल। बिल्कुल ये पैटर्न आपको दिख ही रहा होगा ना। और मुझे याद है क्योंकि वो मोतीलाल ओसाई की वेल्थ क्रिएशन स्टडी में हर साल कवर करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, तो हर साल ये कंपनी उसमें फीचर होती है। तो ऐसा क्या बदल रहा है इस कंपनी में? एक और बात इसमें अनिल जी है कि ये टॉप से आधा हो चुका है, यानी कि 2000 का हाई लगा लेने के बाद इसका भाव 1000 रुपए चल रहा है, और 1000 रुपए पर हम कह रहे हैं कि इसमें पैटर्न बनाए, तो यहाँ से भी आधा होने की संभावना इसमें दिखाई पड़ती है। यानी कि चार्ट बेहद कमजोर है और ये पैटर्न जो है पूरी तरह, देखिए पैटर्न बनने में वक्त कितना लगा, ऑलमोस्ट 1.5 साल का समय इस पैटर्न को बनने में लगा है, तो इसका असर भी तुरंत आएगा ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मंथली चार्ट है तो थोड़ा आपको वक्त देना होगा, लेकिन आने वाले 6 महीने साल भर में इसमें भारी गिरावट आ सकती है। कह सकते हैं सदाबहार शॉर्ट है, अभी इनको फ्यूचर में शॉर्ट करना है जब भी मौका मिले, लगता है किसी भी फुल बैक में डिम्पी इसको। इसमें कुछ स्टॉप लॉस भी होता है इस तरह के पैटर्न में? देखिए मंथली चार्ट के स्टॉप लॉस मंथली बेसिस पर रखने होते हैं, स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं क्योंकि टारगेट भी बड़े हैं, तो इसमें जो स्टॉप लॉस है उसका अच्छा खासा 200 रुपए ऊपर रखना होगा आपको, अगर आप यहाँ पर 500 रुपए का गेन चाहते हैं। ठीक है, यानी कि 1000 रुपए का चल रहा है तो 1250 तक का स्टॉप लॉस रखें, इन बिटवीन जब भी मौका मिले उसको बेचते जाए। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ इसमें, ये वैसे आपने बनाया अजंता फार्मा का अच्छा है और आपके चार्ट के हिसाब से बढ़िया, मैं एक चीज चाहता हूँ आपसे और मंथली जी आपके लिए भी ये सवाल है मेरा, क्यों नहीं ऐसे चार्ट का जो आप सेल कॉल निकाल रहे हो जो एकदम कमजोर क्वालिटी के शेयर हो उनके ढूंढ ढूंढ के निकालो। जी मैं बताता हूँ। देखिए पहले डिम्पी ने पूछा हेड एंड शोल्डर क्या होता है। देखिए ये मेरे दो शोल्डर हैं, ये हेड है, ये नेकलाइन गई तो शेयर गया। अब जैसे अभी कुणाल जी ने एक एग्जाम्पल दिया लक्ष्मी विलास बैंक का, अभी कुछ दिन पहले जी मैंने ट्वीट करा एक स्टॉक है अवंती फीड, लोगों का पसंदीदा स्टॉक है, राइट, 2050 का भाव था, मैंने कहा जी इससे निकल जाओ, 1350 का टारगेट है। क्या बात कर रहे हो, तो लोगों के ट्वीट आ रहे हैं 500। अरे भैया पैटर्न परफेक्ट जो आपने निकाला ना, ऐसे तो कोई सोशल मीडिया या चैनल्स पे बोलता नहीं है, तो पैटर्न बड़ा खराब है और आज भी स्टॉक नीचे धीरे धीरे करके नीचे जाता है। अच्छा। जैसे बखरांगी था अनिल जी, अगर आप ध्यान दें 400 रुपए के भाव पर, बिल्कुल ये बड़े चार्ट्स होते हैं। अब जैसे कुणाल जी तो थोड़ा कंजर्वेटिव हो गए एवान के चार्ट पर, एवान में अनिल जी मुझे तो 60 रुपए से पहले कोई सपोर्ट दिखता नहीं है। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छी चीज शुरू करी है कुणाल जी और डिम्पी जी ने जो कवर करा है, तो ये आइडिया तो आपका ही है। देखो नहीं नहीं, ये तो आज इन्होंने आज वाला शॉर्ट वाला भी शॉर्ट वाला, हाँ हाँ, मैं तो दोनों तरफ के, क्या फर्क पड़ता है इसमें। एक और बात है, जिनके पास ये शेयर है कम से कम वो सावधान हो जाए, अगर आप डेरिवेटिव में शॉर्ट नहीं भी कर पाए और इतना लंबा डेरिवेटिव की पोजिशन आप ओपन नहीं रख पाएंगे शॉर्ट साइड में, तो वो भूल जाइए उसको, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो एक बार के लिए निकल जाए। हाँ तो भाई जिन लोगों के पास है डिलीवरी वो बेच दें, जिन लोगों की ताकत है खड़े रहने की मार्क टू मार्केट लॉस देखने की वो बेच कर कम क्वांटिटी में आराम से वायदा कारोबार में 5-15 सीरीज तक खड़े रहे, है ना, बिल्कुल ये सबसे बढ़िया रहेगा। चलिए एक और चीज भी, हेज के काम भी आएगा। हाँ। अगर आप कोई पोजीशंस को हैज अपनी शॉर्ट रखना चाहते हैं और आपको चाहिए कि ऐसा सदाबहार जो मेरे पास पड़ा रहे शॉर्ट जो कमजोर कैंडिडेट का है, तब भी आपको अजंता फार्मा काम आ सकता है, क्योंकि अभी तक का मंथली चार्ट पे कुणाल आपको चार्ट बता भी रहे हैं, बार भी जाए ये बार भी इंडिकेट करेगी, कुणाल जी जरा बता पाएंगे ये जल्दी जल्दी ऊपर नहीं आने वाली बार भी है, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट इतने ज्यादा खड़े हैं कि ये बहुत जल्दी आपको 1250 या 1300 तक लेके ही नहीं आएगा। ये चार्ट वीकली है, ये वाला मंथली चार्ट, एक एक कैंडल एक एक महीने बराबर। ओके, कभी 3 ग्रीन कैंडल आई, फिर 3-4 थोड़ी छोटी छोटी डॉट बनाया और एक ही बड़ा ऐसा बनाया कि खाया पिया निकल गया सब। अनिल जी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कई व्यूअर्स होंगे वो कहेंगे जी बहुत बड़ा चार्ट देख रहे हैं मंथली चार्ट। मैंने एक बार मार्क मोबियस को सुना था टीवी के ऊपर, उन्होंने चार्ट खोले थे, उन्होंने क्वार्टरली चार्ट्स खोले थे। अच्छा, हाँ, तो अनिल जी ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में है, अगर आप देखें जैसे आप मार्केट में कई बार हम डिस्कस करते हैं ना कि चार्ट फेल हो गया, चार्ट नहीं फेल होता है, तीन तरह के प्लेयर होते हैं, एक होता है बड़ा फंड प्ले कर रहा है, एक होता है पोजिशनल ट्रेडर, एक होता है इंट्राडे ट्रेडर, तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा चार्ट किस समय पे काम कर रहा है। इंट्राडे ट्रेडर अलग तरीके का चार्ट देखता है, पोजिशनल ट्रेडर फंड एक अलग तरीके का चार्ट देखता है, सुबह 9:15 से 9:30 वो वाले चार्ट इसमें मिक्स मत कर देना भाई साहब, बिल्कुल नहीं करता। मेरे तो 10-15 घंटे वाले चार्ट चाहिए, आपके 10-15 महीने वाले मत बता देना उसमें, नहीं तो देखिए हमारा अल्टीमेटली पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि चार्ट के बेसिस पर आपको दो चीज़ें मिले, एक कौन सा स्टॉक आपको रखना है पोर्टफोलियो में खरीदारी के लिहाज से, दूसरा कौन सा आपको बेचकर बाहर निकाल देना है, ये दूसरा पर्पज़। तीसरी चीज़
जो एक और इम्पोर्टेंट है वो ये कि भाई देखिए आपको चार्ट की समझ भी आनी चाहिए। अब एक से ऐसे ABCD तो नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या बड़े पैटर्न हैं, ये जो इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं दोनों हमारे साथ में, ये क्या सोचते हैं, क्या देख कर वो चार्ट का पैटर्न निकालते हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा साथ में सीखने को भी मिले और मेरे को भी सीखने को मिले। मैं भी ये सब सीख रहा हूँ आप लोगों को देख देख के, हालांकि मैं फिर भी चार्ट तो नहीं देख पाता, लेकिन समझ में तो आने लगा ना कुछ कुछ कैसे देखा जाता है। जो देख पा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है, उससे लोगों को इतनी हेल्प मिल जाती है कि उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि क्या है। इस बीच एक कंपनी जिसके थोड़ी देर पहले नंबर आया, मेरे से थोड़ा मिस भी हो गया, मैं माफी भी चाहता हूँ।